हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइटोकांड्रिया, यानी कि माइटोकांड्रिया क्या होता है। देखिए, हमारी जो सेल्स होती है, उस सेल्स के अंदर बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। उन सभी पार्ट का अपना एक विशेष वर्क होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ पार्ट के जो फंक्शन होते हैं उसको मैंने डिस्कस किया। आज एक नई कोशिका, यानी कि जो पार्ट ऑफ सेल है, सेल के जो भाग हैं, एक सेल के जो अंग हैं, उसके विषय में हम आज को चर्चा कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग माइटोकांड्रिया, यानी कि एक नए पार्ट्स को पढ़ेंगे, एक नए कोशिकाओं को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि सेल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शन चलते हैं, बहुत सारे कार्य चलते हैं, या फिर शरीर बहुत सारे कार्य करती है। ठीक, यानी कि शरीर के अंदर बहुत सारे कार्य चलते हैं। देखिए, उन क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं, यानी कि कोई भी कार्य संचालित नहीं होगा। जानते हैं ये सब। तो हमारी सेल के अंदर या फिर बॉडी में जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी क्रियाएं चल रही हैं, उन क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आप जानते हैं कि ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा कैसे आएगी, या फिर कह सकते हैं कि ऊर्जा बनाने के लिए सेल्स के अंदर या सेल में ऐसी कोई मशीन होनी चाहिए जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, यानी कि ऊर्जा को बना सके, या ऊर्जा को जनरेट करके और ऊर्जा बनके निकल के आती रहे। और जब ऊर्जा निकल के सेल्स के अंदर आती रहेगी, शरीर के अंदर आती रहेगी, तो शरीर की जो सिस्टम्स होती हैं, वो अपना काम सुचारू रूप से करती रहेगी। तो हमारी जो प्रत्येक सेल है, उस सेल्स के अंदर आपके माइटोकांड्रिया पाई जाती है, और माइटोकांड्रिया ही वो पार्ट होती है जो एनर्जी को जनरेट करती है, यानी कि ऊर्जा को बनाने का काम करती है। और इसके द्वारा बनाई गई ऊर्जा पर ही शरीर के जो सारे कार्य होते हैं वो चलते रहते हैं। समझ में आया? सेल्स के अंदर क्या पाई जाती है? एक मशीन है, उस मशीन को हम लोग माइटोकांड्रिया कहेंगे। ये ऊर्जा को बनाएगी, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उस एनर्जी के माध्यम से ही शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, शरीर की समस्त क्रियाएं जो हैं, वो संचालित होंगी। आइए देखते हैं कि जो माइटोकांड्रिया है, इस माइटोकांड्रिया की खोज, देखिए, आप एक साइंटिस्ट थे, कोलिका, ठीक, कोलिका नाम साइंटिस्ट ने 1880 में 1880 कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1880 में इन्होंने क्या किया, जो इंसेक्ट मसल होती है, जो कीटों की जो मांसपेशियां होती हैं, उसमें इन्होंने क्या किया, इस माइटोकांड्रिया की खोज की। और 1890 की बात है, आपके साइंटिस्ट हैं आल्टमान, इन 1890 के साइंटिस्ट हैं आल्टमान। आल्टमान नामक साइंटिस्ट ने 1890 में क्या किया कि इन्होंने इस माइटोकांड्रिया का स्टडी किया और इसके बारे में बताया, यानी कि इसका वर्णन किया, और फिर इसे नाम दिया इन्होंने बायोप्लास्ट। इसने आल्टमान नाम साइंटिस्ट ने 1890 में इसका स्टडी किया और अध्ययन करने के बाद इसे नाम दिया बायोप्लास्ट। ठीक है, और इन 1897 में 1897 में 1897 में कार्बेंडा सिवेंडा, ठीक, कार्बेंडा नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस माइटोकांड्रिया को, इस पार्ट को इन्होंने नाम दे दिया माइटोकांड्रिया। ठीक है ना, कार्लबेंडा ने क्या किया, जो ये पार्ट था बायोप्लास्ट को, जिसने आल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया था, बट बाद में कार्लबेंडा ने क्या किया, उसे नाम दे दिया माइटोकांड्रिया। तो ये थी माइटोकांड्रिया के बारे में। माइटोकांड्रिया जो होती है, अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि संरचना की बात करें, ठीक है, तो जो हमारी सेल बहुत छोटी सी संरचना होती है, माइटोकांड्रिया जो है ये बहुत स्मॉल, बहुत कसते, बहुत छोटी सी संरचना होती है जो हमारे सेल्स के अंदर पाई जाती है, यानी कि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी कि बहुत सूक्ष्मदर्शी होती है। इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। माइटोकांड्रिया सेल के अंदर पाए जाने वाली एक अल्ट्रा, बहुत सूक्ष्म क्या होती है, पार्ट होती है, जो एनर्जी बनाने का काम करती है। चलिए, ये हमारी सेल है, इस सेल्स में आपने न्यूक्लियस को देखा था, ईआर को देखा था, ठीक, और आपने देखा था गॉल्जी बॉडीज को। अब आप क्या देख रहे हैं, माइटोकांड्रिया, यानी कि जो सेल है, सेल की जो साइटोप्लाज्म होती है, उस साइटोप्लाज्म में आपकी कुछ रॉड लाइन, छड़ के आकार की कुछ धागेनुमा संरचनाएं इसमें पाई जाती है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकांड्रिया, यानी कि हमारी जो सेल है, उस सेल्स के अंदर कुछ आपके क्या रॉड लाइन, छड़ के आकार कर सकते हैं, ठीक, कुछ वृत्ताकार भी हो सकते हैं, ऐसी कुछ संरचनाएं मिलती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकांड्रिया। और भी संरचनाएं होती है, बट ये सरल संरचनाएं दिखती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकांड्रिया।
यानी कि स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि संरचना की बात करते हैं, संरचना से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारी सेल्स होती है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उस प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, ठीक। और इसके अलावा जो हम लोगों की आरबीसी सेल होती है, यानी कि लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं, उन लाल रुधिर कणिकाओं में आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी एब्सेंट होती है, यानी कि हम लोगों की आरबीसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक, आरबीसी को छोड़कर उसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लोग संरचना की बात करते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेन की घिरी होती है, मतलब कह सकते हैं कि ये दो एकलकला की घिरी होती है, यानी कि एक पेयर मेम्ब्रेन यहाँ और एक पेयर मेम्ब्रेन यहाँ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टू यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं डबल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी होती है, ठीक। जो मेम्ब्रेन का मतलब जो होता है बाहर की तरफ, यानी कि एक दीवार, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया जो ये शेप आप देख रहे हैं, ये सिर्फ सेल्स के अंदर पाया जाने वाली स्ट्रक्चर है, यानी कि ये भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। इस माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यानी कि जब इस माइटोकॉन्ड्रिया को समझ लीजिए काटा जाता है, तो इसके अंदर की संरचना ये ऐसी दिखती है, आपको यहाँ नहीं दिख रही है ऐसी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं दिख रही है। बट अगर इसको समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया को काटा जाता है, तो उसके अंदर की संरचना हम लोगों को ऐसी दिखती है। क्या दिख रहा है हम लोगों को, वही दिख रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना, यानी कि अंदर की जो संरचना जो दिखती है वो, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर की तरफ, जो वाल पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाह्य कला कहते हैं। कला मतलब एक दीवार, बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। जो इसके अंदर की हो, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, सपाट होती है, समतल होती है, देख रहे हैं आप, ठीक, ये सपाट समतल जैसी दिख रही है आउटर मेम्ब्रेन। जबकि इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे हम लोग इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक कला कहते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन क्या है कि जगह जगह आपके क्या होता है, धसा होता है। देखिए इनर मेम्ब्रेन जगह जगह आपके धसा हुआ है, और धस कर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा बना रहा है, फिंगर लाइक, आप देख रहे हैं यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन, यहाँ कुछ फिंगर लाइक, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाल। तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन द्वारा, उस इनर मेम्ब्रेन द्वारा जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, ध्यान रखना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक, ऐसा नहीं, ठीक है ना। जो क्रिस्टी होती है, ठीक, इस क्रिस्टी पर कुछ आपके सूक्ष्म कण लगे होते हैं। देखिए जितनी भी सारी क्रिस्टी बनी हुई, ये भी क्रिस्टी, ये भी क्रिस्टी, ये भी क्रिस्टी, ये सब क्या है, क्रिस्टी। प्लांट्स के अंदर ये नली के आकार की संरचना बनती है, जो प्लांट सेल होती है उस सेल्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, नली के आकार की संरचना बनाती है। तो देखिए ये जो आपके संरचनाएं दिख रही हैं क्रिस्टी की, इस क्रिस्टी पर आपको सूक्ष्म ऐसी कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, ये जो सूक्ष्म संरचनाएं दिख रही हैं, इन सूक्ष्म संरचनाओं को हम लोग यकमन पार्टिकल या फिर ऑक्सीसो बनाते हैं। क्रिस्टी पर रैके या फिर सूक्ष्म कण दिखते हैं, लगे होते हैं, उन सूक्ष्म कण को हम लोग ऑक्सीसोम या फिर यकमन पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, यकमन पार्टिकल कहते हैं। देखिए यकमन पार्टिकल और ऑक्सीसोम का अपना एक विशेष रोल होता है, ठीक है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब आगे बढ़ते लोग, यकमन पार्टिकल मालूम चल गया। देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इसके बीच जो जगह होती है, ये चैम्बर, इस चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर चैम्बर कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है आउटर मेम्ब्रेन और इनर जो मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच जो जगह होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटर चैम्बर, यानी कि बाहर का जो इसका खाली जगह होता है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जो जगह होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर चैम्बर कहते हैं, यानी कि आंतरिक बेस कहते हैं, या फिर जगह कह सकते हैं, ठीक है ना। जो ये मेम्ब्रेन, ये जो चैम्बर होती है, इसमें बहुत सारे तार भरे होते हैं, कुछ एंजाइम भरे होते हैं इसमें, ठीक है ना। इसके अंदर पाए जाने वाली जो चिपचिपे तरल पदार्थ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पाए जाने वाले चिपचिपे तरल पदार्थ होते हैं, उस चिपचिपे
तरल पदार्थ हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकांड्रिया के अंदर जो चिपचिपे तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे में जो मैट्रिक्स है इसके अंदर आप देख रहे हैं माइटोकांड्रियल डीएनए, यानी कि माइटोकांड्रिया का के पास खुद का डीएनए होता है। ध्यान रखना यहाँ पर, माइटोकांड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। एक डीएनए आपने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती थी, बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो माइटोकांड्रिया है उस माइटोकांड्रिया के पास सेल्फ का डीएनए है। ऐसा नहीं तो माइटोकांड्रियल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकांड्रियल डीएनए पाए जाते कहते हैं। इसके अलावा राइबोसोम पाई जाती है, इसमें क्या होती है, राइबोसोम पाई जाती है, ठीक है ना। आरएनए होती है, प्रोटीन होती है, लिपिड्स होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। मैट्रिक्स में देख सकते हैं, अगर आप इसके लोग रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। जो प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या है, सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद आपके लिपिड्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और फिर उसके बाद आपके डीएनए आरएनए इत्यादि जो है ये सब पाए जाते हैं। इसकी क्या है, रासायनिक संगठन, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं माइटोकांड्रिया की जो फंक्शन होती है, क्योंकि हम लोग क्लास 9 के अंदर तक माइटोकांड्रिया को पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हम विस्तृत पढ़ने वाले नहीं है इसमें। देखिए फंक्शन क्या होती है, कार्य के रूप में हम लोग जानते हैं। देखिए माइटोकांड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या, पावर हाउस, ऊर्जा घर कहते हैं, ठीक। ऐसी घर जहां पर क्या है कि ऊर्जा का निर्माण किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। अभी हमने इसे पूर्व बताया था कि ये एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, यानी कि एनर्जी का निर्माण करती है। आप जानते हैं एनर्जी जो फॉर्मेशन होती है एक क्रिया बनती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन की क्रिया कहते हैं, ठीक। श्वसन में तीन चीजें चलती हैं, एक जो चलती है ग्लाइकोलिसिस, क्या, ग्लाइकोलिसिस। दूसरी जो चलती है वो है आपके क्रेब्स साइकिल। तीसरी जो है वो है ईटीएस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये तीन चीजें हैं, एक है ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस। ये जो क्रिया होती है ग्लाइकोलिसिस की, ये आपके कोशिका की जो साइटोसॉल होती है उस साइटोसॉल में चलती है। बट जो क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस है, यानी कि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन जो परिवहन तंत्र है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, ये आपके माइटोकांड्रिया के अंदर चलती है। दोनों जो क्रियाएं हैं क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस के, ये माइटोकांड्रिया के अंदर चलती है। इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप माइटोकांड्रिया जो होती है एनर्जी को बनाती है, क्या करती है, ऊर्जा को बनाती है, ठीक है ना। ये जो क्रियाएं हैं क्रेब्स साइकिल जो है, ये क्रेब्स साइकिल आपके मैट्रिक्स में चलेगी, किसमें चलेगी, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगी। मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, जो पाइरूविक एसिड होती है उसको आगे की तरफ तोड़ते हैं और क्रेब्स साइकिल की क्रिया में उसको तोड़ते हैं, फिर वहां से एनर्जी को बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। जबकि ईटीएस जो होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होती है, जो क्रिस्टी की, यानी कि माइटोकांड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है उसके मेम्ब्रेन में चलती है, क्या, आपके ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ठीक है। इन दोनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है कि ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए हमने कहा कि जो ये ऑक्सीसोम है ना, ऑक्सीसोम यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। देखिए ये ऑक्सीसोम या फिर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं, इस पर आपके एक विशेष एंजाइम होते हैं, जिसे हम लोग एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स, यानी कि ऐसे एंजाइम जो एटीपी के अणुओं को सिंथेसिस करते हैं, यानी कि संश्लेषण करने में पार्टिसिपेट करते हैं, उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपीएज एंजाइम, ठीक, या फिर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, ठीक। यानी कि जब भी ऊर्जाओं का निर्माण होगा इसकी आंतरिक दीवारों पर, तो एटीपीएज एंजाइम जो होती है वो एटीपी के अणुओं का निर्माण करती है, ठीक है। वो क्या करती है, एडीपी से यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के अणुओं का निर्माण करती है। अर्थात माइटोकांड्रिया के अंदर एटीपी नामक अणु का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और जो भी एटीपी के अणु का फॉर्मेशन होगा इसके अंदर माइटोकांड्रिया में जो बनी हुई एनर्जी होगी वो एनर्जी जाकर इस एटीपी के अणुओं में संचित होगी। ऐसा ही है, इस माइटोकांड्रिया के अंदर जो भी एनर्जी जनरेट होगी बनेगी वो एनर्जी एटीपी के अणुओं में जाकर क्या होगी, संचित होगी, और इस एटीपी में संचित जो ऊर्जा होगी सेल्स में जो भी एक्टिविटी चलेगी वो इस संचित ऊर्जा का क्या होगा, उस क्रियाओं में इस्तेमाल होगा, या सेल्स के अंदर चलने वाली क्रियाओं में इसका इस ऊर्जा का क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो इस तरह आपने देखा कि
कि ये महत्वपूर्ण सेल ऑर्गन है जो आपकी एनर्जी को बनाते हैं, ऊर्जा को बनाने का काम करते हैं हमारे सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर चलने जो क्रियाएं हैं इस ऊर्जा के उपयोग से आसानी से चलते रहती हैं। तो ये थी आज की वीडियो में आपकी नॉलेज। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टेड लगा होगा। किसी तरह की कोई भी समस्या होने पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सुना नई नॉलेज के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।